आज बड़ेपारा स्थित बड़े महावीर मंदिर में पूजन कराने वाले पुजारी दो भाइयों में दान पेटी को लेकर जमकर विवाद हुआ और यह विवाद थाने तक पहुंच गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल यह हंगामा दान पेटी को लेकर हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार मंदिर में पूजन कराने वाले पुजारी दो भाई हैं, जो पूजन पाठ का कार्य लंबे समय से करते आ रहे हैं। दोनों भाई सुबह और शाम अलग अलग पारी में पूजन का कार्य करते हैं। जब सुबह रोजाना की तरह पंडित आशीष रामचंद तिवारी मंदिर पहुंचे तो उन्हें अलग से एक दान पेटी मिली, जिसे लेकर वे सीधे लाडगंज थाने चले गए, जहां पर दान पेटी देखकर वहीं सीएसपी दीपक मिश्रा भी भड़क उठे। दरअसल यह दान पेटी शाम के समय पूजन कराने वाले पुजारी अभिषेक तिवारी की थी। तो वहीं पुजारी अभिषेक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बड़े भाई जो सुबह पूजा कराते हैं, वे जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा उनका दान पत्र उठाकर थाने लाया गया और धमकी देने लगे। वहीं इस प्रकार के हुए विवाद ने लोगों की आस्था को भी धक्का पहुंचाया है। लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि हजारों लोगों की प्राचीन काल से आस्था का केंद्र रहे बड़े महावीर मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाएगा कि दानपात्र के विवाद के चलते दानपात्र को ही थाने लाया जाए। आज सुबह जब मैं मंदिर में पूजन के लिए सुबह प्रातः पहुंचा, तो मुझे एक अन्यत्र मंदिर की दान पेटी के अलावा एक दान पेटी मुझे वहां प्राप्त हुई। कुछ मुझे आशंका हुई, इस कारण मैंने पहले कुछ लोगों से, दर्शनार्थियों से सलाह मशवरा किया। सभी ने मुझे यह सलाह दी कि इस दान पेटी को, जिसकी आपको जानकारी नहीं है, आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप मंदिर के सरबराहकार हैं। मंदिर की देखरेख सन 1996 से पिताजी के समय से आप देख रहे हैं, आपकी जवाबदारी बनती है। आप शासन को, प्रशासन को इस बात की सूचना दें। मैं दान पेटी लग रखे थाने अभी अपने वकील के साथ और मंदिर के दर्शनार्थियों के साथ थाने में उपस्थित हूँ और ये दान पेटी में थाने में जमा करवाना चाहता हूँ। और मंदिर में दूसरी किसी भी अन्यत्र दान पेटी की आवश्यकता नहीं है। मंदिर की दान पेटी हनुमान जी की दान पेटी जो है वो मंदिर में रखी हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ हर घर में पारिवारिक विवाद होते हैं। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है, पर मैं न्यायालय की फैसले पर भरोसा करता हूं और उसी के इंतजार कर रहा हूं। पर कुछ लोग जो हैं वो न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और न्यायालय के फैसले को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भैया, भाइयों में विवाद नहीं चल रहा है, सिर्फ ये वर्चस्व की लड़ाई इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि दान पेटी में मंदिर की जो आती है वो चिल्लरी आती है, उसमें कोई ऐसा विशेष दान नहीं आता। कोई तिरुपति बालाजी मंदिर की दान पेटी नहीं है ये कि हुंडियों से पैसा आ रहा हो। बड़े महावीर जी मंदिर, सात पीढ़ी से हमारा परिवार इधर सेवा कर रहा है। अब बड़े भैया यहाँ पर जबरन कब्जा करे, अपने जबरन दान पात्र रखे हुए हैं और मेरा दान पात्र जो मैं संध्या के समय बैठता हूँ वो उठा के जो अलग इधर का उधर कर देते हैं। आज क्या हुआ? आपने दान पात्र रखा और फिर वो थाने ले आया क्या? हाँ, हमने दान पात्र का वो था, दान पात्र उठा के थाने लिया, यहाँ पर आके अपने कई साथियों के साथ मुझे धमकी देने लगे। किस चीज़ का विवाद? दान पात्र को लेके या उसमें संयुक्त राशि को लेके? बस दान पात्र का विवाद है, सुबह शाम का। दोनों लोग बैठते हैं आपके अलग अलग बैठते हैं? बड़े भैया सुबह बैठते हैं, मैं शाम को बैठता हूँ। आपका अभिषेक पुजारी।